वो प्रॉफिट ऑफ द ईयर के मैं एक पहले मुनीर और एक 70 दिया है काफी तक जवाब भी है कुमार की भी बात 70 दिया का समय 21 है मतलब जब मैं छोटा था जब मुझे मुंह से दाल किया गया तो फादर भी मुझे उठा के ले जाता उधर से वही लेकर आता तो मैंने पुराने मुनीर नाजरा पढ़ लिया क्यों क्योंकि मैं नाजरा पढ़ता जाता हूँ साथ ही जो भी होता जाता है नाजरा मुकम्मल हुआ तो साथ में हाफिज कुरान भी बनता था ये करामत है पीर सिंह के रचा आप मानते हैं बचपन से मुझे आबादी से प्यार नहीं था दूर दराज खुली जगह से ज्यादा मुझे प्यार था रात को कहते थे घर वाले सो जाते थे तो वो अंदर से गुड़ी लगाकर उसमें कुछ ईट डाल देते मेरा हाथ ही फोन मैं चट्टू नीचे रात के दूर होकर निकल गया बाहर जंगल में चार रात चला और मतलब एक तो वैसे हुआ पहले मनीर में और क्या मुझे कि खाम में शैतान ने मेरे साथ कुछ ठीक करना शुरू कर दिया मतलब जब मैं जब वो मुझे मेरे ऊपर गालाबान को शिकारता मैं हवला वाला कूद एक लंबा पड़ गया था तो पीछे साल का था बेला हम तीस नहीं मरूंगा मैं फिर गाल पाया मैंने शैतान को बुला के नीचे अल्लाह अकबर कबीरा और बड़ा आपने काम किया दीन इस्लाम का जितने फितने उठे उनकी इज्जत लाओ उनके सर को जो दिया आपने मिलाज के ऊपर बड़ा कि कैसा उदार के ऊपर फिर समाज बाबा के ऊपर कब्र वाले समझे कि नहीं उनके ऊपर फिर बाबूला भी गैंगला के ऊपर बड़ा कुछ किया ये तो कहते हैं दीन का जिसके सारे स्वाब के अनुमान बना होती गैरुला है इस ऊपर बड़ा कर मिर्जाइयों को बड़ी मकाम पे आपने शिकस्त से बात की एक तो वैसा आता है कि स्टे लगे हुए थे दोनों तरफ अपना कि मैं नाजर उबार में करूँ मैं पहले ये बताओ आदम अलैहि सलाम से लेकर ईसा अलैहि सलाम तक कोई नबी ऐसा है जिसकी जिसका बाजू ना हो जिसकी टांग ना हो जिसका कान हो या जिसकी आंख हो जिनका नहीं फरमाया था तुम्हारा मिर्जा ये अपना कलाम नबी कैसे हो गई है तो एक काम से कहा था किसी बात से प्राप्त नहीं किया तो आप सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद गोड्डा स्टेशन के सामने शहर बन के बजा बस भी आ रहा उस वक्त हिंदुस्तान था अंग्रेज की हुकूमत एक अंग्रेज भी उसको देखा तो बाबा ही बड़े सीधे की मील है उनकी आदत है मैं ईसाइयों की मजाक करता हूँ आपके हाथ में वो तस्वीर तो कहा कि बाबा ये क्या है बड़े दिस ये क्या हुआ ये मेरा हथियार है अंग्रेज के आपने अपने सौ था ईसा ने पूछा ये क्या उसने कहा ये मेरा हथियार है मैं ये क्या क्या अपना सामने जानवर बैठा तो उसने मार किया मार दिया बिजली गिर गया मैं ये काम करता हूँ मुस्कुराए सैयद तस्वीर ली इसके ऊपर जाकर लगी अल्लाह का जिक्र किया मुरिंदा हो गया उड़ गया मैं मेरा हथियार ये काम करता उसी वक्त वो कर्म वगैरह करना पड़ता मुसलमान से ये इस्लाम जो है अमल से पहला है कि तलवार से नहीं पहला है झूठ बोलते हैं क्या मुसलमान जब लोगों ने देखा ना खासतौर पर मिर्जाइये दोनों ने एक बंदे को काफी पैसे दिए तो कहा कि जब रात को आ जाए ना क्योंकि चार रुपये के नीचे छुपके वाले शाह के नमाज पढ़ के आए तलवार तुम्हारे पास होकर तो शहीद जाते ये भी पहले नहीं हुआ अरमाते हैं मैं शाह के नमाज पढ़ के आगे लेट गया चार पे वो नीचे दबा लेंगे लेटा हुआ है चार पे के नीचे छुपा हुआ है वो बंदा कहता है मेरी हिम्मत ही नहीं हुई मैं ताजा गोला उधर भर आप सो गए जब आपने करवट बदली मैं ऐसे बाबू नीचे मेरा तो उसको लगा बाबू उठ के भाग गया बाद में वो किसी में कदमे में गिरफ्तार हुआ उसने कहा कि मैं कदमे में देख शुरू लेकर वो जो मैंने बुरा अदा किया ना कायदा बुरा फेंक करने का उस वजह से मना उसको आप तशरीफ फरमा है उम्मीदर बैठे हुए लालू ने एक बंदे को उजरत दी पैसे काफी दिए क्योंकि साग बड़ा पसंद है पीर साहब को जब साग के साथ पराठे ले जाओ साग में जहर डाल के दे देना वो खा लेंगे तो हमारा मसला हो जाएगा जब वो लेकर आया तो मीनर बैठे हुए आपने महसूस कर लिया इसमें जहर है लेकिन देखो अब मैं अगर
मैंने बता दिया तो ये शर्मिंदा हो जाएगा प्रभु के सामने। मौत मेरी वक्त से पहले नहीं आ सकती, आपने दो चार लुटकर लगा लिए। और बाद में लोगों ने पूछा मैं मुझे पता था सर जहर गिला होगा, लेकिन ये भी मुझे पता था मेरे को असर नहीं करेगा, अगर मैंने ना कहा तो ये शर्मिंदा हो जाएगा। कि वो भी मेरे लिए इशारा कर रहे थे जिन्होंने मेरी दुश्मन के दिल को भी तोड़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दफा आपने वाशरीफ करना था शाही बाग की तरफ गए 1905 की बात, तो वहां मलक गुलाम मोहम्मद करवाना होकर डीएस के साहिब रावत के घर में क्या किया उनके हजूर मेरे यहाँ बात होती है लेकिन बच्चों ने बहुत हो जाता तो दुआ करें। आपने दुआ फरमाई फिर अल्लाह ताला उनको गुलाम फरीद टुमाना जैसा फर्जा बता दिया मेरे ऐसे उसके लोग मिला है। एक दफा वैसे तशरीफ फरमाया था आपके मुरीद आके मांग हुआ ये खुशाब से सैयद सदीक शाह साहब अभी हम उन बड़े पैसे लगाए हैं कुआं करवाया अगर पानी कड़वा निकला आपने कुछ चीज दब कर दी तब जाकर डाला तो पानी भी हो गया। एक तो बाद में कहीं आया स्वास्थ्य यहाँ पे उसको कहीं जाना था पाक पतन शरीफ एक बंदा बैठा हुआ था आपके लंगर खाने में अब क्या और मुझे आपके चाहिए मैं ना बीना हूँ मैं आपके तो भाई अल्लाह ताला देता है आकर तो उसकी है लेकिन जब वो चाहता है आपने किसे बंदे को सीना बना देता है। और मैं तो कल जा रहा हूँ पाक पतन शरीफ इतनी बात कही तो सैयद हैदर अली चिश्ती फरमाते हैं कि वो सुबह जब बंदा गया ना गोल्डन रेलवे स्टेशन पे उसने अपनी छड़ी अपने बच्चे को दी मैं पकड़ो दरिया में रोशन हो गई है ना बीना आया था बीना हो गया तो जब आए बाप ने छड़ी पे आपका हुकाम था आधार गोल्डन का तो वहां जब आपने खिताब किया तो बड़े खुश आवाज से दिल मजीद थे बड़े आदमी बापू थे असलियों से नहीं सैयद भी हो और फिर सरकार की मुआ भी हो तो लोग बड़े खुश हुए उन्होंने हाथ फिर या फिर के नारे लगाए। आपको पता है गंदर में मम्मन के दाना की बड़ी खुशी है वहां भी एक बात का बैठा हुआ था नजदीक मैं तेरा हार नहीं कहता उन्होंने कहा देखो जी पीर साहब आपके सामने ये लोग शिर कर रहे मॉडल साहब तो उनका विशाल हो गया बाबा जी को हाथ फिर या फिर कहते हैं हुक्म दिता मेरा जिक्र करो मैं थोड़ा जिक्र करांगा तुसी मेरा जिक्र करो मैं थोड़ा जिक्र करांगा मेरा शुक्र अदा करा जे ना शुक्र ही ना करया जे आगे अल्लाह ताला ये सारे उमर अल्लाह ताला दा जिक्र करदे रहने और नाम ये माला जपदे रहने ते अल्लाह ताला ने एक होर गला फरमाई नाना हु नजल जिक्र व इन लहु लहाफिजू बेशक असास कुरान मजीद हूं नादल कीता है और असी ये भी फादर फरमान वाले हैं तो ज़्यादा कैसे ही फादर फरमान उस बात के भी इसे उस बात के भी इसे लमा के भी इसे तो फरमान जैसरा अल्लाह ताला कुरान में कभी भी फादर फरमा रहे हैं ना उस बात के भी इसे पूरा के भी इसे लमा के भी इसे इस तरह ये सारे अल्लाह का जिक्र करते हैं अल्लाह ताला लोगों की जुबान से जिक्र करते हैं। नारे तकबीर नारे नारे खत्मे नबुव्वत नारे अल्लाह अकबर कबीरा।
ਇਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਤੁਲਲਾ ਤਾਲਾ ਸਿਆਲ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਮਸਦ ਸਿਆਲ ਵੀ ਰਹਿਮਹੁਲਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਤ ਕੀਤੀ ਖਲਾਫਤ ਮਿਲੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਹਜ ਕਰ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਮੁਕਰਮਾ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਾਜਰ ਫਕੀਰ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਲਾਫਤ ਫਰਮਾਈ ਕਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਿੱਥੀ ਰਵਾਂਗਾ ਆਪ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਅਰਬ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਮੰਗੀ ਰਾਮ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਦੇ ਰੋਦੇ ਪਏ ਆਏ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਤੂੰ ਦਰੂਦ ਅਸਲਾਮ ਅਰਦ ਕੀਤਾ ਅਰਦ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਬੇਹਦ ਅਲੀ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਦਜਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਵੀਲਾ ਦੇ ਫਰਦ ਦੇ ਕੈਂਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਾਥ ਦਾ ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀ ਏ ਮਹਬੂਬ ਯਕੀਨ ਮਤ ਪਰੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨਾ ਖਾ ਜਾਨਾ ਕਿ ਜਾਨੇ ਸੱਜ ਆਖਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਆਖਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨ ਦੀਆ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਮੁਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਗੜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ 56 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਆਰ ਤਬ ਕੀਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਰਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜੜਾਈ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਦੀਨ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲੇਗਾ ਔਰ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲੇਗਾ ਕਦੀ ਤੂੰ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਜਾ ਰੇ ਕੋਲੜਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਦੁਆ ਕੇ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆ ਗਈ ਬੜਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲਾਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਦਿਆਨੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਿਆਨੀ ਕਰਦਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲਾਂ ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਫਿਤਨਾ ਜਿਹਾ ਫਲਾਂਦਾ ਵੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤੀ ਆਓ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 5 ਅਗਸਤ ਪੂਰਾ 1900 ਈਸਵੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਤੋਂ 47 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ 25 ਅਗਸਤ 1900 ਈਸਵੀ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਕਾਦਿਆਨੀ ਨੇ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ ਹੋਦੀ ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਤੈਨ ਕੀਤਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਵਿਸਾ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਸਵੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਇਤ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਹਮਦੀਦ ਦੀ ਤਫ
تفسیر لکھو گے میں بھی تفسیر لکھاں گا جی دی تفسیر اچھی ہوے گی عمدہ ہوے گی او بناتا جتنے گا ایک قاضی امین ظالم جیڑا دی لکھائی بڑی کمال دی سی لکھدا بڑا تیز سی بڑا لکھدا رہندا سی بڑیاں کتاباں میں نے لکھیاں پیر صاحب مایا کہ جا مینوں تیرا جان دی قبول ہے آپ تو چلے کولا شریف نال پھر علماء دے قافلے جا رہے نے نال مریدیاں دے قافلے جا رہے نے علماء دے سرکار دے قافلے چل رہے نے آج ہمارے رسول دے قافلے چل رہے نے چل دے چل رہے جدوں آپ لاہور دا علی حجویری دی نگری وچ پہنچے اس بعد دا علی حجویری دی اوتھے آ کے جے دوبارہ باسی مسجد پہنچے او ظالم نو پتہ چلیا کہ پیر سید پیر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی ਜਾਣੇ ਗੁਰੜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਦੂਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਗੁਰੂਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ ਪਈ ਆਈਏ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜਮਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹਨ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵੇ ਕਿਦਾ ਕਲਮ ਹੁਣ ਖੁਦ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖਿਓ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਬਾਦ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ